सो गाइस लेट्स सी, यहाँ पे मैंने 5 mAh की बैटरी इंस्टॉल की है जो कि बजाज बॉक्सर में। बट इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका चार्जिंग सिस्टम वीक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कैसे आप बाइक में बिगर बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। और रेगुलेटर, यहाँ पे जो रेगुलेटर देख सकते हैं, ये वाला रेगुलेटर है, यहाँ पर स्टॉक है। सारा वायरिंग का मैं डिटेल्स आपको दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉइल को मॉडिफाई किया है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा लाइट कॉइल लाइट बहुत ही वीक चल रहा था। तो ये बहुत ही वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉइल आ रहे थे कैसे बड़ी बैटरी में बड़े बड़े बैटरी में इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद तो उसको चार्ज करना भी प्रॉपर ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं ये कॉइल मैंने अभी बंद बंद कराया है मैकेनिक से। क्या किया है, ये जो कॉइल है मेरा, मैंने खुद से बाइंडिंग किया था, वो गलत हो गया था। तो उसके बाद देख सकते हैं कंपनी से मतलब उन्होंने बाइंडिंग करके दिया है प्रॉपर तरीके से। ये जो राउंड है पूरे ऊपर तक आ रहा है, और ये जो छोटा कॉइल है यहाँ पे टर्न्स आपको कंपनी से कम मिलेगा। बट ये जो आपका लेफ्ट साइड में कॉइल है, इन दोनों को छोड़ के इसमें भी मतलब ऊपर तक टर्न्स दिया हुआ है। मतलब इसी इसमें आपको कम से कम 4 से 5 टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, तब जाके आपका चार्जिंग प्रॉपर हो पाएगा। मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्पियर, बहुत ज़्यादा वोल्टेज निकलेगा। सो ऐसा मॉडिफिकेशन आपको करना है कॉइल में, ये जो कॉइल प्लेट है, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर आपका कॉइल प्लेट पुराना है, मैं रिकमेंड करूँगा एक बार ये तीनों कॉइल एक बार मतलब बाइंडिंग करवा लीजिए मैकेनिक से, और उनको बोलना कि ये जो टर्न्स है बिल्कुल ज़्यादा टर्न्स हो, यहाँ पे भी सेम टर्न्स हो, और इसमें भी टॉक जो स्टार्ट हो टर्न्स होता है मतलब आधा होता है, इसको भी हमने डबल बाइंडिंग करवाया है, ठीक है, उसके ऊपर 4 राउंड चढ़वाया है। सो कॉइल में मॉडिफिकेशन इतना ही करना है। सो लेट्स सी कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। और इसको हमने कंप्लीट एनाबॉन से पैकिंग कर दिया है। ये जो नीचे की तरफ है ज़्यादा इसको यूज़ करना है, और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं इतना ज़्यादा कर दिया, क्योंकि अगर ये बियरिंग के अंदर चला जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब जस्ट इसको आपको प्रेस करना है, और ये कम्प्लीटली यहाँ पे अलाइनमेंट हो गया है, बैठ गया है, ठीक है। इतने जितने भी एलिंग की बोल्ट रहते हैं सब एज इट इज़ लगा देने, कुछ भी आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है इस वाले कॉइल पे करना है। और अगर पुराना है ओल्ड है तो आप एक बार कंप्लीट ये तीनों कॉइल बाइंडिंग करवा लीजिए। और इसमें मैं बता देता हूँ 5 mm, 5 mm की 5 mm की एलिंग की बोल रखते हैं। सो कंप्लीट इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। अब जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे 5 mAh की बैटरी इंस्टॉल की थी। सो उसके बाद मैंने पर्सनली वोल्टेज टेस्ट किया था, वो उसमें इशू बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5 mAh की बैटरी डालने से क्या होगा, आपका वोल्टेज जो है 13 वोल्ट से ज़्यादा बन ही नहीं पाएगा, वो भी आप अगर ज़्यादा रेस करते हैं तब 14 वोल्ट बनेगा। तो मैंने इसको लगा के टेस्ट किया है, बहुत ही फाइन काम करा है। तो कंक्लूसन पे ये आते हैं कि आपको बजाज बॉक्सर में जितने भी मैंने आपको कॉइल प्लेट दिखाया था, सो ये जो कॉइल प्लेट है मैंने इसको पावर सिस्टम कर दिया है फिटिंग करके, और यहाँ पे सारा वायरिंग कनेक्ट कर दिया, बहुत ही इजी है। अब जो स्टॉक आर एल रेगुलेटर रेक्टिफायर है वो स्टॉक रहने दीजिए, कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से पार्ट में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊँगा। सो बहुत सारे लोग, मैंने वीडियो देखा था कि उसमें बैटरी तो इंस्टॉल कर लेते हैं बट उसको चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो नहीं दिखाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा। सो मैंने अभी उसको क्या किया, दिस इज़ द 4 LV बैटरी, ये बेसिकली मेरे होंडा साइन एस पी जो मेरा सेकेंड बाइक है डैड का, तो उसका बाइक मैं बैटरी मैंने यहाँ पे लाया है। और जो यहाँ पे जो मैंने नया परचेस किया था 5 mAh की बैटरी वो होंडा साइन में इंस्टॉल किया है। डेफिनेटली आपको एक वीडियो मिलने वाला है होंडा साइन एस पी के ऊपर जो बिगर बैटरी इंस्टॉलेशन है। सो बात करते हैं इस बैटरी की, आप मार्केट में 4 LV की बैटरी ऐसा दिखता है, ठीक है, परचेस कर लीजिए 1000 या फिर 950 रुपीज़ का अंदर आप शायद मिल जाएगा। और इसको मैंने प्रॉपर जैसे यहाँ पे इंस्टॉल कराया। अब जो बजाज बॉक्स नॉर्मल बाइक होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे बैटरी वाले लगाने का जगह नहीं है, उसे आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैंने किया कि यहाँ पे एक खांचा बनाया प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो रहा है, और इसको हम बाद में क्लैम कर देंगे। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह का कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह बत्ती लेना, ये वाला का वायर यहाँ पे होल हो, या फिर आप नॉर्मल वायर भी अटैच कर सकते हैं। सो आपको जस्ट यहाँ पे अटैच कर देना है, और यहाँ पे स्क्रू से जो नेगेटिव का पॉइंट है
यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से अटैच कर दूंगा, और इसका वोल्टेज कितना आ रहा है वो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। और कुछ अगर इशू हो, डेफिनेटली इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको पहले नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, एक बार नेगेटिव कनेक्ट देख सकते हैं कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं आपको बैटरी का, जो बैटरी है उसका वोल्टेज मैं आपको चेक कर रहा हूँ सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको डीसी का करना पड़ेगा, जो 20 वोल्ट डीसी, डीसी का साइन ये इक्वल टाइप का साइन होता है, ये आपका वोल्टेज है, बट ये आपका एसी वोल्टेज हो गया, ये आपका डीसी वोल्टेज है। सो डेफिनेटली मैं अगर वोल्टेज चेक कराऊँ, सो देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ नेगेटिव और दिस इज़ अ पॉजिटिव। सभी वोल्टेज देख सकते हैं 12.27 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, 12.27, अभी कुछ भी ऑन नहीं है। अब डिफरेंटली इसको मैं यहाँ पे माउंट कर दूंगा और बाइक को मैं स्टार्ट करूँगा, और इसको मैं एक सेकेंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये नेगेटिव का हो गया और यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव का हो गया, जो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर एक फ्यूज़ वर्क लगा हुआ है। तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव को पॉजिटिव देंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब कनेक्शन हो गया, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखा रहा हूँ इसका वोल्टेज क्या आ रहा है। सो देख सकते हैं अभी वोल्टेज आ रहा है 12.30 वोल्ट, जो कि ठीक है, बैटरी कम चार्ज है। अब इसको मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, मैं अभी हॉर्न देख सकते हैं, अभी न्यूट्रल का लाइट जल रहा है, मीडियल का लाइट, न्यूट्रल का लाइट, सब कुछ जल रहा है, मतलब ये आपका पीछे का ब्लैक बैक लाइट जल रहा है, और यहाँ पे मीटर का लाइट आप दिन में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मीटर का लाइट जल रहा है, और यहाँ पे और कुछ नहीं जल रहा है, और यहाँ पे न्यूट्रल लाइट जल रहा है, और इसको मैं ऑफ कर दूंगा, जस्ट न्यूट्रल लाइट जलेगा, ठीक है। अभी जस्ट न्यूट्रल लाइट जल रहा है, तो अभी देख सकते हैं वोल्टेज हो गया है 12। इसको मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, सो देख सकते हैं। अब इसको मैं एक बार हॉर्न बजा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हॉर्न बहुत मस्त बज रहा है, सब कुछ आपका काम करेगा, बट मेन प्रॉब्लम होगा चार्जिंग को लेके। मैंने आपको कॉइल क्या मॉडिफिकेशन करने में आपको बता दिया। अब इसको मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, अब मैं एक्सेलेरेटर दूंगा, वोल्टेज के इंक्रीज होगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अभी देख सकते हैं अभी वोल्टेज कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, सो मैं थोड़ा सा एक्सेलेरेटर बढ़ा दूंगा, तो देख सकते हैं क्या इशू हो रहा है इसमें। अभी इसमें आपका बाइक प्रॉपर तरह से चार्ज कर रहा है, ठीक है। बाइक इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो चार्ज तो कर रहा है बाइक, माफ कर रहा हूँ, इसमें चार्ज तो कर रहा है बाइक, ठीक है, बट उतना एफिशिएंट तरीके से चार्ज नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सॉल्यूशन मुझे एक ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने आप पिछले वीडियो में देखा था, मैंने कैपेसिटर मंगाया था, बट वो कैपेसिटर मेरे पास अभी है नहीं। सो मैं डेफिनेटली उस कैपेसिटर यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वोल्टेज चेक कराऊंगा कि प्रॉपर तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं, चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी जिस ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका चार्ज तो होगा बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, उतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसे कैपेसिटर लगाता हूँ, उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट करूँगा कि वोल्टेज यहाँ पर अच्छी तरह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द कैपेसिटर 4700 माइक्रोफेराड म्यू एफ और 25 वोल्ट, आप यहाँ पे 50 वोल्ट भी काम कर जाएगा। सो सिंपली आपको क्या करना है, पॉजिटिव दिस साइड देख सकते हैं नेगेटिव और दिस साइड पॉजिटिव। बहुत सारे लोग भाई कमेंट कह रहे हैं कि कौन सा कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर, भाई ये वाला कैपेसिटर देख सकते हैं, इससे एक बिगर साइज भी आता है, बल्कि इसमें रीडिंग लिखा होना चाहिए। बजाज का जेन्युइन भी परचेज कर सकते हैं, बजाज सर्विस सेंटर में जाके या फिर कोई भी लोकल शॉप में जाके बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन के शॉप में आपको नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। ये हेक्सन कंपनी का है। सो आपको क्या करना है, दिस इज द नेगेटिव और दिस इज द पॉजिटिव बड़ा वाला। सो आपको क्या करना है, अगर आप रेगुलर रेक्टिफायर में लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव का बैटरी का नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव उसमें जोड़ दीजिए। मैं बैटरी का नेगेटिव में जोड़ रहा हूँ, ठीक है, और बैटरी का पॉजिटिव जो है इसमें मैं अभी जस्ट इसमें आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ। इसको मैं वायरिंग अच्छे तरीके से कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं इससे लगा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से लगा लूँगा, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ओके, ये आपका कनेक्शन भी हो गया।
ठीक है। अब इसमें मैंने जोड़ दिया है। अब बैटरी का वोल्टेज मैं अभी थोड़ा सा चलाया था, देख सकते हो 14.8 ये दिखा रहा है। अब इसमें मीटर में कुछ इशू हो रहा है, एक सेकेंड। ओके ठीक है। अब आपको बाइक स्टार्ट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कितना वोल्टेज अच्छी तरह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। सो बाइक मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, मैं देखते तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बाइक अभी स्टार्ट है, अभी वोल्टेज देखते कुछ बढ़ नहीं रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा भी एक्सीलरेट करूँगा ना, 13 वोल्ट तक चला जाएगा हल्का से, देखते आप सुन सकते हैं। देख सकते मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया है, 13.5 या फिर ज़्यादा, थोड़ा इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 वोल्ट बनाए। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेट दूंगा मैं, 13 वोल्ट दे रहा है। थोड़ा सा एक्सेलरेटर पे ये 13 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब आपका चार्ज हो रहा है। 13 वोल्ट आपका बैटरी में इसमें शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे चार्ज आपका हो रहा है प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अब इसमें जो है 14 वोल्ट तक ज़्यादा तक जाएगा तो आपका रेगुलर एक्टिव है, ठीक है, कोई भी सुने। सो ये आपको मोटिवेशन करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा कैपेसिटर ले लीजिए। और एक आप जो है 4 LV की बैटरी, इसमें गलती से 5 एम्पीयर की बैटरी मत डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जिंग होगा ही नहीं। मैंने इसको 15 दिन से 5 एम्पीयर की बैटरी डाल के यूज़ किया है, बैटरी उतना चार्ज नहीं हो पा रहा, हर टाइम डाउन रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आपका चलेगा, जितना भी पावर बैटरी में होगा थोड़ा थोड़ा उसको चार्ज मिलेगा, बट काम नहीं करेगा, कुछ भी आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो दिस वॉज द वीडियो, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दिया कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे वीडियो में देखा, मैंने दिखाया कि चार्जिंग नहीं दिखाता है, बैटरी इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली आप अगर इसमें कुछ सब कुछ खराब होगा, बैटरी डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे सब कुछ बजेगा, बट प्रॉब्लम आएगा चार्जिंग को लेकर, उसको बैटरी जब ख़त्म हो जाएगा तब आपका। और एक बात, मैंने एक मुझे एक भाई फ़ोन किया था, वो पता नहीं कौन, बहुत दूर से थे वो, मुझे उसका प्रॉब्लम है, उसके पास है एक जो है आपका राजदूत, उसमें उन्होंने सेल्फ स्टार्ट किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट उसमें उन्होंने 5 एम्पीयर की बैटरी डाली, बट ये जो हमारा बॉक्सर का कॉयल होता है उसमें तो 3 कॉयल तब भी है, बट उसमें जो ओल्ड बॉय का था उसमें इससे भी ओल्ड, उसमें 2 कॉयल है, उसमें बिल्कुल भी 5 एम्पीयर की बैटरी होगा ही नहीं, जितना भी बाइंडिंग कर लीजिए। मैंने इसको बाइंडिंग की, इसके बाद भी मैं 4 एम्पीयर की बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा है, मैंने कैपेसिटर डाला है उसके बाद प्रॉपर तरीके से बिल्कुल झक्कास चार्ज कर रहा है, बट इसमें 5 एम्पीयर की बैटरी फेल हो गया। और उसमें ऐसे 5 एम्पीयर की बैटरी चलाओगे आप, बोलिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कृपया करके 4 एम्पीयर की बैटरी आप एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा चेक करते हैं कैपेसिटर लगा के आप चेक करिए, चार्ज इतना हो रहा है तो आप बिंदास से यूज़ करिए, या फिर नहीं हो रहा है तो आप मत यूज़ करिए। सो दिस वॉज द वीडियो, अगर वही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे हौसला कहाँ से मिलेगा। और ये था बाइक का मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन है मैंने प्रॉपर तरीके से डाला है, कैसे इस बाइक को मैंने कन्वर्ट किया है बजाज बॉक्सर से जो ओल्ड मॉडल था। सो बैटरी चार्जिंग को लेके कोई इशू था मैंने सॉल्व कर दिया है। बड़ी बैटरी यूज़ करना है 4 LV के, 4 LV के डालिए, 5 एम्पीयर मत यूज़ कीजिए। ठीक है, स्प्लेंडर वगैरह में बोल रहा हूँ, स्प्लेंडर वगैरह में क्या होता है उसमें कॉयल थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है, उसका कॉयल जो है 3-4 कॉयल एक्स्ट्रा रहता है, उसमें 5 एम्पीयर की बैटरी डाल सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। बट जो ओल्ड मॉडल का ये जो आपका ये है स्प्लेंडर है, जो कि ऐसा कॉयल होता है, उसमें 4 एम्पीयर का डालिए, 5 एम्पीयर बिल्कुल ना यूज़ करिए। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हर मातेई, जय।